नमस्कार दोस्तों, नोएडा एक नज़र में जानिए आज दिन भर की खास खबरें। नोएडा में आज का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं नोएडा का आज का EQI 73 रहा। जलवायु विहार में मंगलवार को नाले की मरम्मत के दौरान दीवार गिरने से चार मजदूरों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी ठेकेदार सुंदर यादव फरार है। पुलिस की चार टीमें फरार सुंदर यादव की तलाश में लगी हैं। बुधवार को पुलिस की टीम ने कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी का कुछ पता नहीं चल सका। 10 लाख शहरवासियों को दिवाली तक गंगाजल मिलने की उम्मीद है। बुधवार को ग्रेटर नोएडा के जैतपुर स्थित मुख्य जलाशय से क्षेत्रीय जलाशय तक गंगाजल बिना लीकेज के पहुंच गया। अब यहां से पाइपलाइन के जरिए टंकियों तक पानी पहुंचाने का परीक्षण किया जाएगा। अगर आपने वाहन के चालान का भुगतान नहीं किया है तो जल्द ही नोएडा में पेट्रोल डीजल नहीं मिल सकेगा, साथ ही बीमा नवीनीकरण कराने की सुविधा भी नहीं मिलेगी। नोएडा के सेक्टर 16 स्थित मैक्स टावर की शीशे की सफाई के दौरान दो मजदूर ऊंचाई पर फंस गए। तेज हवा के कारण झूले के इधर उधर होने से रस्सी फंस गई थी। सूचना पाकर पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीम ने दोनों मजदूरों को सुरक्षित नीचे उतारा। साइबर ठगों ने KYC करवाने के नाम पर खाते से 4,75,000 रुपए निकाल लिए। जब पीड़ित के पास पैसे कटने का मैसेज आया तो ठगी का पता चला। ठगों ने पीड़ित के मोबाइल पर लिंक भेजकर वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नोएडा से जुड़ी ट्रेंडिंग खबरों के लिए फॉलो करें नोएडा बज़।